अशोक कल्याण सिटी म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से बजट जो पेश किया गया ऑन डेटेड 21 अक्टूबर 2021, विच आई फील इट वॉज वेरी वंडरफुल, आई कॉन्ग्रेचुलेट्स टू ऑल सीएमसी काउंसिलर्स। दे पास्ड बजट इन ओनली विद इन 20 मिनट्स। द बजट वॉज ऑफ अबाउट 39 करोड़ बजट्स, 39 करोड़ का बजट पशु कल्याण सीएमसी के तमाम मेम्बरान ने केवल 20 मिनट में उसको पास किया, जिस पर वेलफेयर पार्टी को बड़ा ताज्जुब हुआ। और उस पर जब ये डिटेल्स की तरफ हमने गौर किया तो हमें पशु कल्याण की डेवलपमेंट का दूर दूर तक उसमें ख्याल नज़र नहीं आया। जो बजट पेश किया गया है उसकी जो लागत जो एक्सपेक्टेड बताई गई है वो है 39,53,04,550। और जो खर्च बताया, ये जो टोटल बजट है, इस बजट में जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू लगभग 26,80,00,000 का रेवेन्यू इसको आ रहा है। और जो ओपनिंग बैलेंस बताया गया है वो ओपनिंग बैलेंस 13,70,60,332 रुपये का एक ओपनिंग अमाउंट कैश बाय द बैंक इन द, और क्या नगद कितना है ये बात वाजे नहीं। इसमें से बैंक में बताए जाने वाले 19 करोड़ रुपीस का तस्करा है, उसमें से जो रकम दिखाई जा रही है वो अगर 13 करोड़ बैंक में है तो बकिया टोटल कैश इन हैंड रिमेनिंग बहुत बड़ा अमाउंट जो है कैश इन हैंड होगा, जो बहुत ही ताज्जुब की बात है। दूसरी बात, जो बजट के पॉइंट टू पॉइंट जो एक्सपेंडिचर शो किए गए हैं, कि मैं आपको बता दूं, तमाम बसों कल्याण के अवाम को बता देना चाहता हूं कि बिल्डिंग रिपेयर के नाम पर तकरीबन जो अमाउंट रखा गया है, जो बिल्डिंग है हमारी सीएमसी की उसको रिपेयरिंग के लिए 15,00,000 रुपये ओल्ड बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए रखी है, और सिविल वर्क के नाम पर 25,00,000 रुपये रखे हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो बजट पेश किया गया है वो है 15,48,000 रुपये का, जो आउटसोर्सिंग ली जा रही है। वैसे में चाहे तो 5 लोगों को काम पे रखे जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का आउटसोर्सिंग के तौर पर इस बजट में पेश किया गया। फिर जो बात पेश की गई कि किराया से जो कार चलाई जाएगी जो ऑफिस स्टाफ के, ताकि अवाम को मालूम हो जाए कि हमारा जो ऑफिस बेयर जो हमारी मेहनत से जो टैक्स पेयर्स की है, चाहे म्यूनसिपल्टी जो प्रॉपर्टी टैक्स हो या नल हो या दूसरे ज़राए से, उसका जो अमाउंट जा रहा है वो 13,00,000 रुपये किराए पे कार के लिए खर्च हो रहा है। इस पर बताया गया बजट को डेवलपमेंट के बजाय बजट को ऐसे कामों में इस्तेमाल करना जो डेवलपमेंट के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए, उसको बहुत बड़ा जो है बेनिफिट उसमें इस बजट में मुझे नज़र आ रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी से मुराद पूरे जो लोग इस दरमियान में जुड़े हुए हैं, वो लोगों की इसके अंदर बहुत बड़ी कारस्तानी है। 39 करोड़ का पशु कल्याण का बजट, जो एक बहुत ही बजट उसका हमारा बड़ा होना चाहिए था, हमारे हिसाब से कम एक 70 करोड़ का बजट हमारा होना चाहिए पशु कल्याण का, हो गया क्योंकि 1,11,00,000 से आगे बढ़ाकर 5,00,00,000 रुपये का स्ट्रीट लाइट की बिल को पेश किया जा रहा है चार्जेस के तौर पर, जो मैं समझता हूं कि 5 times more। ऐसा तो पशु कल्याण में इलेक्ट्रिसिटी पे इतना नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गाड़ियों के लिए जो डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है वो 40,00,000 रुपीज का, 40,00,000 रुपये का गाड़ियों पर डीजल, तो गाड़ियाँ कितनी चल रहे हैं, क्या उसकी लॉक शीट मेंटेन की जा रही है, तो 40,00,000 रुपये जो है उस पर खर्च किया जा रहा है। तीसरा, जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की रिपेयर के लिए 15,00,000 रुपये रखे गए हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो दूसरा जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, जो हमारा वाटर के लिए इस्तेमाल होता है वाटर सप्लाई के लिए, वो भी 1,11,00,000 रुपये था, इसको भी 5 times बढ़ाकर उसको भी 5 करोड़ किया गया।
उधर पांच इधर पांच, 10 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी को यहां से डाइवर्ट किए गए। फिर जो ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपीज और 30 लाख रुपीज का प्रोजेक्ट रखा गया। क्या नया कोई बिल्डिंग बना रहे हो क्या रखे हो? तो ये ऑलरेडी 50 और 30 मतलब 80 लाख रुपीज सिर्फ बिल्डिंग के नाम पे ले जा रहे हैं। पिछले और उस तरह से मिलाए तो 1.5 करोड़ रुपया खाली बिल्डिंग के नाम पे उठाए जा रहे हैं। फिर एक चीज जो लाइट व्हीकल्स के नाम पे फिर अलग से, वो हेवी व्हीकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे अलग निकाल लिया गया। फिर इस बजट में जो शो किया जा रहा है वो हेवी व्हीकल्स के लिए 35 लाख रुपीज बताए जा रहे हैं और फिर लाइट व्हीकल्स के लिए 10 लाख रुपीज बताए जा रहे हैं। ऑल टुगेदर 55 लाख रुपीज अगेन फिर जो है जो हमारे पास जो डेली हमारा वेस्ट कलेक्शन के लिए जो लगाया जा रहा है उसके लिए लगाया दिया गया है। एक जो और अहम बात है कि इस बिल हमारे इस फंड के दरमियान में माइनॉरिटीज के लिए बहुत ही कम बजट रखा गया है। जो 7.2 प्रोजेक्ट के तहत SC ST और के लिए तो उसमें माइनॉरिटीज का बजट बहुत कम किया गया है। तो ऐसे में ये जो बजट जो पूरा 39 करोड़ का जो बजट पेश किया गया इसके दरमियान में इसको फिर एक मरतबा उसको रिव्यू होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और पूरा इसका डेवलपमेंट के प्लान के साथ होना चाहिए। जब कभी भी जितना भी हम जो टैक्स पेयर्स हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो कुछ भी अमाउंट हमारा ये जो जा रहा है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 24/7 के तौर पर 24 घंटे पानी की बात कही गई लेकिन आज पूरे शहर भर में 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा कहीं भी पानी रेगुलर सप्लाई नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बजट इतना कैसे उसको प्रपोज किया गया? मैं जानता हूँ कि ये बजट है ये कोई फाइनल शक्ल नहीं है लेकिन ये रिव्यू करने का ये राइट्स रखता है। तो हमारे काउंसलर्स को आगे आना चाहिए कि एक 20 मिनट में 39 करोड़ का बजट आप पास कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। वेलफेयर पार्टी इस बजट के सिलसिले में डेवलपमेंट का बजट नहीं समझती और ये ऑफिस बैरियर्स और ब्यूरोक्रेसी के डायरेक्ट ये इसके अंदर इंटरेस्ट इसमें इस बजट के जरिए से मालूम पड़ता है। हम इसको दोबारा रिव्यू करने की हम डिमांड करते हैं। मैं 7.25 स्कीम में माइनॉरिटी के लिए कितना बजट दिया है? माइनॉरिटी के लिए जो बजट 7.25 में रखा गया था पहले वाले इसमें 7,36,000 रुपये रखे गए थे, इसको बढ़ाकर जो है 14,13,000 किए गए थे। बस इतना ही एक अमेंडमेंट के साथ ये चीज़ पास की। 14 लाख रुपये कोई बहुत बड़ा बजट इसमें मेरे हिसाब से नहीं समझता। बसो कल्याण में जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है ये किस बजट से चल रहा है? बसो कल्याण में जो कुछ डेवलपमेंट का जो बजट नाकाम नज़र आ रहा है वो या तो कल्याण कर्नाटक का डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से आने वाले बजट से हो रहा है या नहीं तो फिर जो 15 फाइनेंस से जो बजट आया उसी के एलोकेशन के साथ हो रहा है। बसो कल्याण जो CMC का जो रेवेन्यू आ रहा है उसका डेवलपमेंट का कोई भी कहीं भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसमें नज़र नहीं आता।